तो हर गेम का डिसीजन नहीं आता। डिसीजन मतलब ये नहीं, डिसीजन में सबमिशन या केओ बिफोर द राउंड्स आर फिनिश्ड, आपने जो है ना वो जजेस से, जजेस के पास जाने पहले। ओके जजेस पे जाने से पहले टीकेओ या केओ हो गया। सो इधर यू गो टू जजेस या फिर मैच करने देखिए, अगर अगर देखिए राउंड चल रहा है ना, 5 मिनट का राउंड होता है इसमें, मेन इवेंट का 5 मिनट का होता है, बॉक्सिंग में 3 मिनट का होता है, इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस के। तो यूएफसी की अगर हम बात करें तो 5 मिनट का राउंड होता है इसमें। अब 5 मिनट के राउंड में मेन टाइटल बेल्ट्स के लिए 5 राउंड्स होते हैं, विच इज 25 मिनट्स यू हैव टू फाइट, और नॉन टाइटल के लिए यू हैव टू फाइट फॉर लाइक 15 मिनट्स, 3 राउंड्स। अब अगर उस 25 मिनट में अगर दोनों ऑपोनेंट्स ने दूसरे को नॉकआउट, कॉम्बैट स्पोर्ट है, यू लुक फॉर अ नॉकआउट, नॉकआउट नहीं किया या सबमिट नहीं किया, बिकॉज दिस इज मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसमें आप ग्राउंड भी करते हैं, ग्राउंड गेम जूडो है, आपका ग्रैपलिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो आप ग्राउंड पे खेलते हैं। अगर नहीं हुआ 25 मिनट, दोनों ने टफ फुल इंड्योरेंस दिखाई, तो फिर जजेस विल डिसाइड कि हु इज द विनर ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंटर्स, जिसमें आपका डिफेंस है, आपका अटैक है, उसका आपकी स्लिपिंग है, आपका रिंग कंट्रोल है, आपका ग्राउंड कंट्रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देखते हुए फिर पॉइंट्स ऑफ लेते हैं। वो डिसीजन कहलाता है कि यू वन बाय एनोनिमस डिसीजन, लाइक सारे जजेस ने आपको इधर यू नो विन विक्ट्री दे दिए, या फिर स्प्लिट डिसीजन कि दो ने दिए एक ने दिए। लेकिन आइडियली मिक्स मार्शल आर्ट्स में, कि कॉम्बैट स्पोर्ट में ये कहा जाता है, डू नॉट लीव योर डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ द जजेस, फिनिश योर फाइट। भाई आपके मेन कार्ड में कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं सर डिसीजन। यूएफसी 281 में मेन कार्ड के तीनों जो आपके मैचेस थे, तीनों में आपका जो है ना, दो में सबमिशन हुआ है, में केओ है, ठीक है ना, वो अपना पोरियर और उसका जो चैंडलर का जो मैच था, क्या आदमी है वो, वो उसमें भी सबमिशन किया पोरियर ने, हालांकि चैंडलर वो पहला राउंड मैच आई गिव इट टू चैंडलर, आई पर्सनली गिव इट टू चैंडलर, बीस्ट। एंड सबमिशन इज लाइक यू सबमिट योरसेल्फ, यू टैप आउट, यू टैप आउट, लाइक यू विल मेक योर ओपोनेंट सबमिट, लाइक एज इन यू यू ईदर चोक हिम, यू नो लाइक देयर आर वेरियस चोक्स, सो वेयर वेयर सम लिम्ब सबमिशंस हैं, जॉइंट सबमिशंस हैं, ठीक है, grappling techniques are this like mercy WWE mein hota kya yeah WWE khatam very bad comparison very bad comparison that's what the masses wrestling ko compare karte hain fir bhi khamosh ho jaate hain tum bolo ke wo kya kehte hain main tumhe waise chaku maar dun lekin on netflix WWE mein to ye bhi to hota hai ek dafa haal utha gira dusri dafa utha gira teesra utha Once you tap, you're out. UFC is like serious stuff. Anyway, you're comparing fake to real, bro. There is no comparison. That's a WWE is turned scripted a long time ago, na? It was a federation. ये वही बात है कि वो World Wrestling Entertainment हो गया। TV show पे कोई वो Tom Cruise का Mission Impossible देखा, बोला यार ये ज़्यादा अच्छी है यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं थी। WWE में शादियाँ हो रही होती हैं वो कैंपस के ऊपर। भाई वो scripted है। सिंपल वो scripted है, ठीक है ना? वो स्क्रीम्ड चीज़ है, वो स्ट्रीमिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते, पीछे स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग हो रही होती है। UFC is actual combat sports, ठीक है ना? मतलब इसके अंदर आपके multitude of different कहते हैं sports का combination है, combats का, जिसमें आपके सारे जिसने नाम लिया, आपका kickboxing आ जाता है, boxing आ जाता है, grappling आ जाता है, grappling में भी अलग अलग categories आ जाती हैं, आपके judo आता है, ठीक है ना, आपका कराटे आता है इसमें, फिर आपका ये जो खबीब वाले जो करते हैं इनकी सांबो आ जाता है। खबीब वाले यूएफसी नहीं है, यूएफसी है, यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट्स, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स है ना, दे टुक डिफरेंट मार्शल आर्टिस्ट, जो ये आपको बता रहा था शुरू में बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट, रिकॉर्डिंग में होना चाहिए कि जब यूएफसी स्टार्ट हुआ था तो यूएफसी में स्पेशलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट था, उस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओह दिस इज वेयर द मिक्स मार्शल आर्ट्स, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। सो अ कराटे गाय वुड फाइट अ सुमो, अगेन जापानी सुमो, बट रूल्स वुड बी सेम ऑफ द यूएफसी, तो रूल्स था नॉकआउट करना या उसको करना। तो ये बॉक्सर जो है ना, दे वुड फाइट अ मॉय टाई वाला पर्सन, ठीक है ना, तो ये कॉम्बैट, दैट्स व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्या अगर अटैक उसका वो बंदा आके उससे, बिल्कुल, तो इट वाज अ कॉम्बैट बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स के लाते क्या कहलाते हैं, देखो हां डिफरेंट आर्ट्स, डिफरेंट आर्ट्स, एवरीबॉडी गॉट टू हैंड्स एंड टू लेग्स, राइट, ठीक है, वी गॉट द सेम लिम्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट, ठीक है, इन अ इन अ इन अ सिचुएशन कंफ्रंटेशन और अ फाइट, दैट डिफरस एवरी फाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ किकबॉक्सर, ठीक है, इफ आई यूज फुट व्हेन आई किक फॉर आई डिड मुए थाई एज वेल फॉर क्वाइट अ ईयर, व्हेन आई यूज्ड टू डू मुए थाई में फुट नहीं मारते, मुए थाई में शिन यूज करते हैं,
और शिन इज आपकी इतनी कंडीशन कर देते हैं कि वो बेसबॉल के बैट से ज़्यादा रॉक सॉलिड हो जाती है। और हम उस वक्त शिन मारते थे, मेरी शिन में जितने भी निशान आज हैं बहुत सारे डेंट्स हैं, वो मुए था है, थैंक्स टू मुए था है। बट व्हेन आई स्विच टू किक बॉक्सिंग आई स्टॉप यूजिंग माई शिन, अब मैं शिन नहीं मारता हूँ, शिन अब मैं फुट यूज़ करता हूँ। इसी तरह कराटे में हील है या अलग अलग देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज योर हैंड्स एंड यू नो लाइक योर लिम। अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूएफसी में जो अगर आप विन रेशो देखो तो आप एकदम चीजें चेंज हुई हैं। अब रेसलर्स और ग्रैपलर्स दे आर गेटिंग मोर विक्ट्रीज देन अ स्टैंड अप गाय। ऑल अबाउट कास्ट हु आर हु विन द मोर। या ग्रैपलर्स जो ग्राउंड गेम पे आपको ले जाते हैं, जो ग्राउंड पे आपने रेसलिंग देखी होगी, वो सबमिशन के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं कि ग्राउंड पे आपने कितने टाइम के लिए दूसरे को रिंग ग्राउंड कंट्रोल किया है। ठीक है, तो उसमें अब सडनली कुछ 4-5 सालों में मैं कहूँगा आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू द रशियन। ठीक है, खबीब वाला पूरे जो लॉट है एकदम आए और ये छा गए 4-5 सालों के अंदर ना, तो ये सारे रेसलर्स हैं।